स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में सिंपलीफिकेशन से बार बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 की घात 3 पूरे की घात 4 में भाग करना है, 4 का स्क्वायर पूरे की घात 3 का मान क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन है 4 की घात 3 पूरे की घात 4 में भाग करना है 4 का स्क्वायर और पूरे की घात 3 से। देखिए दोस्तों आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, अगर a की पावर m की पावर n है तो इसका फार्मूला होता है a की पावर m गुणे n, यानी घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ भी घातों का आपस में गुणा हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, 4 की घात 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है, भागे यहाँ क्या है a की पावर m की पावर n, यानी घातों का आपस में गुणा हो जाएगा तो 4 की घात 2/3 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ क्या है, 4 की घात 12 है, बटे क्या है, भाग है यानी बटे है 4 की घात 6, ठीक है। देखिए दोस्तों 4 की घात 12 में 4 की घात 6 से भाग करेंगे, अगर आधार समान है तो घातें आपस में घट जाएंगी अगर भाग में है तब। तो दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा, 4 की घात 12 माइनस हो जाएगा 6, ठीक है, घातें आपस में घट जाएंगी अगर आधार समान है और भाग के रूप में है, तो 4 की घात क्या हो जाएगा 12 माइनस 6। तो दोस्तों यहाँ से 4 की घात क्या हो जाएगा 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 मिलेगा, यानी दोस्तों इसका सिंपलीफाइड मान क्या होगा, तो 4 की घात 6 होगा, और यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1/5 भागे 1/5 का 1/5 देखिए दोस्तों यह बॉडमास पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है, BODMAS। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कोष्टक है नहीं, ऑफ यानी का सॉल्व करेंगे, जहाँ जहाँ का है सबसे पहले का को सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/5 हो गया भागे 1/5 हो जाएगा, का मतलब गुणा होता है, तो आप का की जगह पर गुणा रखेंगे और तुरंत गुणे को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/5 गुणे 1/5 हो जाएगा, बटे दोस्तों क्या होगा 1/5 हो जाएगा, का की जगह पर गुणा रखेंगे, ठीक है, का की जगह पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और तुरंत का को सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि फिर इसमें बॉडमास का रूल अप्लाई करें, डिवाइड को पहले सॉल्व कर लें बाद में मल्टीप्लाई करें तो गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 1/5 हो गया भागे 1/5 हो गया, का मतलब गुणा होता है, तो तुरंत गुणे को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/5 हो गया भागे 1/5 गुणे 1/5 क्या होगा, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, यानी 1/25 हो जाएगा, ठीक है, और बटे क्या हो जाएगा, और देखिए बटे हो जाएगा, ठीक है, बटे यहाँ से दोस्तों क्या होगा, सबसे पहले का यानी गुणे को ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा 1/25 हो जाएगा, ठीक है, भागे 1/5 हो जाएगा, बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा 1/5, ठीक है, भाग है तो भाग को हम गुणा में बदल देंगे और इस भिन्न को उल्टा कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 25/1 हो जाएगा पूरे की बटे, ठीक है, क्या है 1/25 है, ठीक है, भाग है तो भाग को गुणा में बदल देंगे और इस भिन्न को उल्टा कर देंगे, यानी 5/1 सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, ठीक है, 5 × 5 = 25 क्या बच गया, तो दोस्तों एक यहाँ 1/5 है तो 1/5 हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा 1/1 यानी 1 हो जाएगा और बटे क्या हो गया 1/1, ठीक है, 1/1 हो गया यानी 1 हो जाएगा और ठीक है और बटे क्या हो जाएगा यहाँ देखिए 5 × 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 × 5 हो जाएगा, तब क्या होगा इस 5 का गुणा इस 5 के साथ हो जाएगा, तो 5 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 25 मिलेगा और 25/1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 25/1 क्या मिलेगा 25 मिलेगा, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा 25 आएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है। देखिए दोस्तों आसानी से सॉल्व करेंगे, 1/12 का कौन सा भाग, ठीक है, मान लेते हैं कि यक्षवां भाग जो है 3/8 है, ठीक है,
एक बटे बारह का यक्सवा भाग क्या है, 3/8 है। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से यक्स बराबर क्या मिलेगा, 3/8 हो गया। देखिए यह गुणे में है, ठीक है, 1/12 गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है, 1/12। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 3/8 हो जाएगा, भाग है तो भाग को गुणा में बदलेंगे और इस भिन्न को उल्टा कर देंगे, यानी 12/1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 2 8 होगा, ठीक है। क्या बच गया, 3 × 3 यानी 3 3 9 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, 2 × 1 यानी 2 1 9 2 हो जाएगा, यानी यक्स का मान क्या आएगा, तो 9/2 आएगा, यानी 1/12 का 9/2 भाग क्या होगा, तो 3/8 होगा, और यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1008 का 21/24 का 5/9 का 4/7 का 3/5 बराबर है। देखिए दोस्तों आसानी से सॉल्व करेंगे, 1008 का मतलब गुणा होता है, तो गुणा कर देंगे, 21/24 हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, 21/24 हो जाएगा, और गुणे 5/9 हो जाएगा, ठीक है, का मतलब गुणा होता है तो गुणा कर देंगे, 5/9 हो गया, का मतलब गुणा होता है तो गुणा कर देंगे, 4/7 हो जाएगा, का मतलब गुणा होता है तो गुणा कर देंगे, 3/5, बस इसको हम सरल कर लेंगे। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 × 3 यानी 12 होगा, तो 12 × 9 12, 12 × 2 24, दो बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या बच रहा है, देखिए यहाँ 7 × 9 7, 7 3 21 हो जाएगा, 3 × 9 3, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है, क्या बच गया, तो 2 3 6 बच गया, यानी दोस्तों 2 से काट देते हैं, 2 1 9 2, 2 से काटेंगे यह क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है, 0 आएगा और 4 हो जाएगा, यानी 504/3 हो गया, ठीक है, 504/3, 504 में 3 से भाग कर देते हैं तो दोस्तों क्या आएगा, यहाँ से 3 1 9 3 हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 20 हो जाएगा, 3 6 18, 2 बचा 24 हो जाएगा, 3 8 24, ठीक है, यानी इसका सिंपलीफाइड मान क्या आएगा, तो 168 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे, कैलकुलेशन का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 - 8 की घात - 1/3 का मान क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो 10 - 8 की घात - 1/3। दोस्तों आपको एक फार्मूला पता होगा, अगर ए की पावर माइनस एन है तो इसका फार्मूला होता है 1/a की पावर n, ठीक है, 1/a की पावर n होता है, यहाँ ए की पावर माइनस एन है, ठीक है, माइनस एन यानी 1/3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/8 की घात 1/3 लिख सकते हैं, नीचे आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा घात, जैसे यहाँ हुआ है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 का क्यूब 8 होगा, तो यहाँ पावर में क्या हो जाएगा, 1/3। देखिए घातों का आपस में गुणा हो जाता है, 1 की पावर m की पावर n यानी घात का आपस में गुणा होगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, यानी इस पूरे को सॉल्व करने पर क्या मिला, 1/2 मिला, यहाँ क्या है, 10 10 में से 1/2 यानी आधे को घटाएंगे, ठीक है, 10 में से आधे को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 9.5 मिलेगा, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, इसका सिंप्लीफाइड मान हो जाएगा, ठीक है, और यही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1 - 1/2 अगले कोष्टक में, 1 - 1/3 अगले कोष्टक में, 1 - 1/4 अगले कोष्टक में, 1 - 1/5 .. 1 - 1/40 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों आसानी से सॉल्व करेंगे, देखिए यह भिन्न का घटाना है, तो इसको सबसे पहले सरल कर लेते हैं, तो 2 1 9 2, 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1/1 मिलेगा, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा छुपा है तो गुणा कर देंगे, इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3 1 9 3, 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2/3 मिलेगा, ठीक है, गुणे यहाँ से 4 1 9 4, 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3/4 मिलेगा, ठीक है, और इसी प्रकार 5 1 9 5, 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 मिलेगा, और बटे नीचे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा,
गुड़े डाट 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 क्या होगा, तो 40 एकन्नम 40, 40 में से एक को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 39/40 मिलेगा। देखिए दोस्तों आपको क्या दिख रहा है, हर में जो है वही अंश में है, ठीक है। हर यहाँ देखिए 1/2 में हर क्या है, 2 है, और 2/3 में अंश क्या है, 2 है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3, 4 से 4, इसी प्रकार यहाँ 5 होगा तो यहाँ 5/6 होगा, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7 होगा तो 7 से 7 कैंसिल। एक ऐसी स्थिति आएगी जब यहाँ 38 होगा और यहाँ नीचे क्या होगा, 39 होगा, तो 39 से 39 कैंसिल हो जाएगा। इससे पहले नीचे हर में 38 रहा होगा तो 38 से 38 कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया, तो 1 यहाँ बच गया और नीचे यहाँ क्या बच गया, 40 बच गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1/40, और यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसानी से आप समझ गए होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, -1/343 का सरलतम मान है। देखिए दोस्तों आसानी से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या दिया गया है, -1/343 दिया गया है, -2/3, ठीक है दोस्तों। देखिए 1/, ठीक है, 343 किसी का घनमूल होता है, तो 7 का घनमूल 343 होता है, तो माइनस है, इसलिए है -7 का क्यूब कर देंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, और 7 का क्यूब क्या होगा, तो 343 हो जाएगा। और पूरे की घात क्या है, तो पूरे की घात है दोस्तों -2/3, ठीक है, -2/3। देखिए ए की पावर यम की पावर यन, यानी घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, ठीक है, घातों का क्या होगा, आपस में गुणा हो जाएगा, तो 1/-7 हो गया, की घात क्या हो जाएगा, 3 × -2/3, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या मिला दोस्तों हमको, तो मिल गया 1/-7 की घात -2 मिल गया। आपको हमने एक फार्मूला बताया हुआ है, जैसे ए की पावर माइनस एन है, तो इसका फार्मूला क्या है, 1/a की पावर n, ठीक है, यहाँ ए की पावर माइनस एन है तो इसको क्या लिखेंगे, 1/a की पावर n, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/a क्या है यहाँ पर, 1/-7 है, तो क्या हो जाएगा, 1/, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं 1/-7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यन की जगह पर 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो दोस्तों क्या मिलेगा, 1/1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, और -7 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा, 49 मिलेगा, ठीक है, 49 मिलेगा, और 49 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा, तो 49 एकन्नम 49, और 49 में 1 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 49 मिलेगा, यानी दोस्तों इसका सरलतम मान क्या होगा, तो 49 होगा, और यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे, यह 49 आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन 49 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 49 हो जाएगा, यानी 49 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए है, उसे सॉल्व करके उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसे आप सॉल्व करिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।